तो पहले आपको दिखाते हैं ये टेरेस गार्डन को। ये टेरेस गार्डन देखिए आप, ये 3 लेयर में बना हुआ है और यहाँ पर सब्जी की जो खेती है वो की जा रही है और बहुत सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ में लगना बाकी है। भिंडी है, करेला है, बरबट्टी है, ऐसे सेम सब्जी सेम है, सब्जी लगी हुई है। टमाटर और तो मिर्ची। टमाटर और मिर्ची भी इसके अलावा लगा हुआ है। तो आइए सीधे चलते हैं, वर्मा जी से पूछते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया और इसको कैसे उनने इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए सर, बताइए इसके बारे में वर्मा जी। हाँ, ये आइडिया तो मैं जनरली, मैं क्या है, नेट से सर्चिंग के दौरान यूट्यूब में ये आइडिया मेरे को जनरेट हुआ, दिमाग में आया कि ऐसा कुछ छतों में उपयोग होना चाहिए जो यहाँ पे ठंडक भी बना के रखे रहे और मुरे को कुछ घर से, छत से ही सब्जियों का उत्पादन भी हो जाए। इसके लिए, इसके नाम से मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, पूरा सेटअप, ये सेटअप मेरा बनाया हुआ है स्टार्टिंग, और ये सब टेरेस गार्डन मैंने बनाया हुआ है खुद से। नेट से देखने के बाद, उनके आइडिया को देखने के बाद मैंने सोचा कि अपने जगह में मैं कैसे उसका उपयोग कर सकूं। तो खुद ही ड्रिल किया हुआ है आपने ये पूरा? ये सब पाइप सेटअप मैंने दुकान से लिया है, ये रेडीमेड आइटम है पूरी पूरी, ये ड्रिलिंग मेरी है, पाइप फिटिंग कराया उसके हिसाब से, जैसा नेचुरल लोग स्टैंड में बनाते हैं खाली स्पेस में। तो मेरे पास 3 साइड दीवार थे, तो अच्छा, तीनों साइड मैंने ये पाइपिंग फिट करके, ये मूवेबल पाइप है, आयरन स्टोर में मिल जाएगी आपको, तो इसको पूरा बना के ये ड्रिल किया, फिटिंग किया और एक दूरी स्पेस मेंटेन किया, करीब 6 से 8 इंच की दूरी पौधों के बीच में अच्छा, है ना, ये मेंटेन करके वो इसको लिया है। ये गमले जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, अमेजोन में मिल जाएंगे, ये पूरे प्लास्टिक के हैं गमले? पूरे पूरे प्लास्टिक के हैं और ये इसके पौधे के नाम से जालीदार है पूरे, ताकि यहाँ पे मिट्टी रहे, वो जब बड़ा होगा तो ये इसके तरह, हटा बेटा माही, ये अच्छा, ये ऐसा हाँ, सीधा, और ये इसमें मेरा पानी डला हुआ, ये इनलेट है, ये पानी देख सकते हैं इसमें? ये दिख रहा होगा ये हल्का हल्का, अच्छा, पानी हल्का सा वो डला वहां पे हुआ दिखेगा है। पूरा, वहां पे पूरा भरा हुआ है, अच्छा ये इस दिशा में, अच्छा ये यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी, यहाँ पर ये पानी लगा हुआ है। हाँ, भरा हुआ है। तो ये सेमी ऑर्गेनिक है कि पूरा ऑर्गेनिक है ये? ये प्रैक्टिकल बेस पे हूँ, लोगों ने बहुत चीज को बताया है ऑर्गेनिक है, ये है वो है, तो ट्रायल करके देखना भी बहुत जरूरी होता है कि हो क्या चीज रहा है। अच्छा, आपके यहाँ नेचुरल, ये मौसम का भी फर्क पड़ता है, मौसम का फर्क पड़ता है, चीजों का भी फर्क पड़ता अच्छा, है अभी इसमें। ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं अभी आप ट्रायल इसको? बेसिस से शुरुआत है मेरा, अच्छा, इसको देखना है अगले 6 महीने तक ये पूरा ट्रायल रन में रहेगा कि छतों में कौन सा पौधा हो रहा है, इसमें हवा का, पानी का, धूप का क्या असर पड़ता है। अच्छा, उसमें से सक्सेस होने के लिए अलग अलग प्रजातियां हैं, जो कभी सक्सेस होती है, कभी पता चला सेमी सक्सेस हो गया तो भिंडी खराब निकल रही है, अच्छा टमाटर कभी अच्छा हो गया तो मिर्ची खराब हो गई, वो अच्छा उसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्किंग के ऊपर अच्छा ऐसा है। अच्छा तो इसमें जो मिट्टी यूज की है आपने, वो सामान्य मिट्टी तो नहीं दिख रही है? ये है कोकोपीट है, ये हाँ, कोकोपीट है? ये रखा हुआ है, अच्छा, ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट हाँ ये, है, हाँ नारियल का पूरा आधा, पूरा नारियल का बुरादा जिसको बुरादा बोलते हैं। तो जी। ये मिल जाता है मार्केट में? ये अभी तो बिलासपुर में तो नहीं मिल रहा है, ये ऑनलाइन मंगाया हूँ, अच्छा बिलासपुर में मैंने कई 20 दुकान में जाके पता किया, अच्छा वहाँ पे नहीं चल रहा। हाँ यहाँ मिल जाएगा आपको, आपका कोनी में जो गवर्नमेंट नर्सरी है गवर्नमेंट वहाँ, नर्सरीज में मिल हाँ सकता वहाँ है। मिल जाता है, वहाँ मिल तो जाएगा आपको। ये है पूरी जानकारी। अभी प्रैक्टिकल बेस पे है इसका अपडेट, तो कम से कम 2 महीने बाद ही इसका रिजल्ट पता चल पाएगा, अभी तो तुरंत कुछ बोलना, अभी तो ये सब पौधे मुश्किल से 15 दिन के हैं अच्छा, जो उगे हुए, मुश्किल से 15 दिन के हैं, 15 दिन के। पूरी फिटिंग आपने स्वयं की है पूरी फिटिंग और ये जो शेड लगाया है वो भी स्वयं पूरा लगाया हुआ स्वयं है स्वयं का लगाया हुआ, नाप जोक करके? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो आप बता रहे थे मेरे को सनलाइट के बारे में, पत्ती के नीचे या ऊपर के बारे में? हाँ जैसे ये है, एक्चुअल में क्या है, फिटिंग ग्रीन हाउस बनाने का कारण सिर्फ एक ही रहता है कि जो पौधे हैं ये ऊपर का सनलाइट को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अच्छा जो लेंटर का जो हीट आता है, अच्छा उमस हीट, हाँ इसके वजह से इस पौधे में नीचे से हाँ ये पौधा जला जला जैसा होता है, अच्छा जिसके कारण ये ग्रीन हाउस बनाया गया है। अदरवाइज इसे कोई, अगर ये मिट्टी होता तो हाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेंटर है, इस कारण अच्छा उसके लिए ग्रीन हाउस डेवलप करना पड़ता है इस अच्छा पौधे को, ताकि नुकसान ना हो ये उमस ताप से, धूप के। तो और कोई जानकारी वर्मा जी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे इसके संबंध में?
अभी तो अभी इतनी है शुरुआत के बेस पे, और ज्यादा अच्छा, जानकारी के लिए फिर थोड़ा समय जैसे ही देना समय पड़ेगा। देंगे तो अपडेट हाँ होते रहेंगे, तो आपसे हम चर्चा हाँ करते तब मेरे को रहेंगे। बता पाऊंगा कि इसमें क्या बदलाव करना पड़ा। अच्छा अभी तो जैसे मैंने नेट में देखा अपने दिमाग से, उनके सेटअप अपने और जगह के हिसाब से मैंने सेटअप को कर फर्स्टली लिया। डाल दिया। अच्छा अभी स्टार्टिंग पीरियड पे, अभी देखिए ऊपर के गमले खाली हैं, क्यों? बरसात चालू हो रहे होने वाला है और कई चीजें ऐसे हैं जिसको मैं अभी मौसम को देख के, मौसम को देख के बोया हुआ हूँ। पौधा का रोपण अभी इसमें नहीं किया हूँ, अच्छा अच्छा छरहा जैसे अलग से बोया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा तो वो ठीक है जैसे सर, इसमें आएगा तो फिर आगे बता पाऊंगा मैं। धन्यवाद सर आपने जो जानकारी दी। हाँ आशा करते हैं ओके आपका ये प्रयास एकदम सफल हो ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। ठीक है धन्यवाद सर। ओके धन्यवाद धन्यवाद।